जियो हेडलाइन न्यूज के लिए तावन किया है हेड एंड शोल्डर्स ने। 100% तक खुश्की मिटाए और लौटने से रोके, कंधे से बोझ हटा दे हेड एंड शोल्डर्स। हुकूमत ने हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर, उनके जो अफसरों के तबादले राइट लेफ्ट शुरू हो गए। इस किस्म के दबाव का जो नतीजा था वो उसकी वजह से लोगों ने फैसला किया कि हम अब आवाज उठाएंगे पंजाब की असेंबली में, और ये तमाम जिम्मेवारी इसकी है पंजाब हुकूमत में उनके रवैये पे जो बिल्कुल गलत रवैया था। इंतकामी कार्रवाइयां बंद होनी चाहिए, हम हुकूमत के साथ हैं, हम सब पीटीआई का हिस्सा थे, पीटीआई का हिस्सा है, रहेंगे। जहांगीर तरीन ने गुजार हुकूमत के खिलाफ नया महाज खोल दिया। हम फयाल ग्रुप को पंजाब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का नतीजा करार दे दिया। कहा एक होकर पंजाब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का मुकाबला करेंगे। हम फयाल ग्रुप अब असेंबली में बात करेगा। जहांगीर तरीन की पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की तरदीद, बोले वो हुकूमत के साथ हैं, पीटीआई का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। उम्मीद है अली जफर की रिपोर्ट जल्द वजीर आजम को मिल जाएगी। सेशन कोर्ट में साथी अरकान के हमरा पेशी, लाहौर में गुजश्ता शब जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर अरकान असेंबली की सियासी बैठक में जहांगीर तरीन हम फयाल ग्रुप कायम, अहम फैसलों पर तमाम अरकान से हलफ लिया गया। ग्रुप की जानिब से पंजाब असेंबली में जुमे को पावर शो का इम्कान, एमएनए राजा रियाज कौमी असेंबली जबकि सईद अकबर नवानी पंजाब असेंबली में ग्रुप लीडर होंगे। लीडर है तो उस पर एतमाद कीजिए, और अगर आप उस पर एतमाद नहीं करते तो फिर आप तरीके इंसाफ में रहने की आपके पास फिर गुंजाइश नहीं रहती। जहांगीर तरीन हम फयाल ग्रुप को शाह महमूद कुरैशी की वार्निंग। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा बजट आने वाला है, फाइनेंस बिल पर मुखालफत करने वालों की पार्टी रुकनियत खत्म हो सकती है, उन्हें यकीन है कि हम फयाल ग्रुप ऐसा नहीं करेगा। कहा इमरान खान पर एतमाद ना करने वालों की तहरीक इंसाफ में कोई जगह नहीं, पीटीआई इमरान खान है, इमरान खान के वोटर ना होते तो ये लोग भी असेंबली में नहीं होते, इमरान खान को लीडर मानते हैं तो लीडर के फैसलों पर आमादगी जाहिर करना होती है। ने और बाकी लोगों ने उन्होंने आज सुबह वादे कर दिए कि वो इमरान खान जी की आदत में मुतहद हैं। इसमें छोटी मोटी टुक टक चलती रहती है, 2000 से शुरू हुआ है कि पता नहीं हुकूमत इधर जाती है उधर जाती है, 3 साल जो है वो पूरे हो गए, अगले 2 साल भी होंगे, उसके बाद 5 साल बाद फिर इमरान खान वजी आजम लालो जोर देना। जहांगीर तरीन बजट में इमरान खान को वोट देगा, ये ग्रुप बनते रहते हैं लेकिन ये पार्टी में छोटी मोटी टुक टक लगी रहती है। वफाकी वज़रा ने जहांगीर तरीन हम फयाल ग्रुप को मामूली बात करार दे दिया। वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी कहते हैं जहांगीर तरीन ने वाज़ेह कर दिया इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद हैं, 3 साल से सुनते आ रहे हैं, हुकूमत जा रही है, जितना जोर लगाना है लगा लें, पीटीआई हुकूमत 5 साल पूरी करेगी। शेख रशीद कहते हैं ग्रुप बनते रहते हैं, नोकझोंक चलती रहती है, आप देखेंगे जहांगीर तरीन बजट सेशन में वज़ीर आज़म इमरान खान को वोट देंगे। पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान इतने नाअहल है कि पीटीआई की सफों में भी एतमाद खो चुके, इमरान खान वजीरों और मुशीरों को कुर्बानी का बकरा बनाकर अपनी नाअहली पर पर्दा नहीं डाल सकते। पीटीआई की अशराफिया करप्शन की बहती गंगा में हाथ धो रही है, जिस मुल्क का हुक्मरान करप्ट हो वहाँ की मईशत कभी मुस्तहकम नहीं हो सकती, वजीर आजम को 1-1 रुपए का हिसाब देना होगा। अबूधाबी में पीएसएल मैचेस के इनेकाद के लिए सख्त शराइत आड़े आने लगी। अमारात क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पीएसएल 6 की मेजबानी की तस्दीक के बावजूद इवेंट का इनेकाद मुमकिन नहीं। पीसीबी को ऑपरेशनल कोविड वैक्सीन, सफरी प्रोटोकॉल और दीगर कई मसाइल दरपेश, अगले चंद घंटों में बड़ा फैसला मुतवक्के। लीग के लिए क्रिकेटर्स की पाकिस्तान से रवानगी मौखर कर दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पैगाम दिया कि शेड्यूल के मुताबिक 22 मई को रवानगी नहीं होगी, प्लेयर्स क्वारंटीना के लिए होटल में चेक इन न करें। चेयरमैन
नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि नैब शुगर आटा और रिंग रोड स्कैंडल मनी लॉन्ड्रिंग जाली अकाउंट केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में कहा नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात गिरोह या फर्ज से नहीं सिर्फ रियासत पाकिस्तान से है। एहतसाब अदालत ने किडनी हिल्स रेफरेंस में सलीम मांडवीवाला की दरखास्त से बरियत मुस्तरद कर दी। एजाज हारून और अब्दुल गनी मजीद की बरियत की दरखास्त ने भी मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने तमाम मुलजमान को फर्द जुर्म के लिए 24 मई को तलब कर ली। नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी के खिलाफ दरख्वास्त से काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौकिफ अपनाया। शेखपुरा की 88 कनाल अराजी नवाज शरीफ से खरीद कर बजरिया चेक 7,75,00,000 की अदायगी भी की जा चुकी। इन जायदादों की नीलामी से नवाज शरीफ को असर नहीं पड़ेगा। मुल्क भर में कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद से मुतालिक पाबंदियां बरकरार रहेंगी, कम होंगी या मजीद बढ़ेंगी, फैसला आज होगा। एनसीओसी इजलास में मुल्क में जारी कोरोना वायरस की मजमू सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 104 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान 3,000 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। एनसीओसी के मुताबिक 18 अप्रैल को 41,700 से ज्यादा टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 8% रही। लाहौर समेत पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में कमी। लाहौर में शरह कम होकर 7% पर आ गई। 24 घंटों में 511 केसेस की तस्दीक। पंजाब में शरह तकरीबन 8%। मजीद 1138 अफराद वायरस से मुतासर। 63 कोरोना मरीजों का इंतकाल। रावलपिंडी में 110, फैसलाबाद में 114 केसेस रिपोर्ट हुए। बेहसी के बाइस गजा पर इसराइली हमले 10वें रोज भी जारी। इसराइली लड़ाका तैयारों की रिहायशी इमारतों पर बमबारी। सहाफी समेत 4 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। मगरबी किनारे और मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में गजा में जारियत के खिलाफ मुजाहरा करने वालों पर भी इसराइली फोर्सेज का ताकत का वहशियाना इस्तेमाल। 4 मुजाहरीन शहीद, 50 के करीब मगरबी किनारे और मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में जारियत के खिलाफ मुजाहरा। मुजाहरीन पर भी इसराइली फोर्सेज का ताकत का वहशियाना इस्तेमाल। कई अफराद जख्मी हुए। इसराइल ने बॉर्डर बंद करके बैन अल-अक़वामी इमदादी सामान की गजा में तरसील रोक दी। इसराइली फौज ने गजा पर फजाई हमलों में स्कूलों को भी नहीं छोड़ा। इसराइल ने एक हफ्ते के दौरान गजा पर हमलों में 50 स्कूलों को तबाह कर दिया। बच्चों की तंजीम से द चिल्ड्रन के मुताबिक इसराइली हमलों में 41,800 से ज्यादा बच्चे मुतासर हुए। यूनिसेफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि गजा से रॉकेट हमलों में इसराइल में भी 3 स्कूलों को नुकसान पहुंचा। इसराइल ने मिस्र की जंगबंदी की तजवीज मुस्तरद कर दी। हमास ने मिस्र की तजवीज कबूल की थी। फ्रांस ने मिस्र और उर्दन के साथ मिलकर जंगबंदी की करारदाद सलामती काउंसिल में जमा करा दी। चीन का भी करारदाद की हिमायत का ऐलान। गुज़श्ता रोज सलामती काउंसिल का चौथे इजलास के बाद भी मुश्तरका ऐलामिया जारी न किया जा सका। फलस्तीनी मंदूब ने मुत्तफिक का मौकिफ न अपनाने को शर्मनाक करार दे दिया। अमरीका ने सलामती काउंसिल में अपने रवैये पर आलमी तनकीद मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान में मुतायन फलस्तीनी सफीर अहमद जवाद का कहना है कि फलस्तीनी अथॉरिटी की जानिब से इमदाद देने का मैकेनिज्म तय नहीं किया गया। इमदाद देने वाले चाहें तो पाकिस्तानी हिलाल अहमद या हुकूमत के तहत मदद कर सकते हैं। इमदादी तरीकाकार तय होने का इंतजार है। फलस्तीनी सफीर की जियो न्यूज से गुफ्तगू। वफाकी वजीर इत्तला'आत फवाद चौधरी का कहना है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी पर्ची से बाहर आने को तैयार नहीं। हमारे यहाँ हर इलेक्शन के बाद एतराजात आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इंतखाबी इस्लाहात पर तमाम जमातें मिल बैठकर मुतफ़िक़ा लाएहमल बनाएं। विपक्षी वजीर की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक ब्रीफिंग।
आरटीएस बैठने से आने वाली हुकूमत ने अपना मुस्तकबिल एक और मशीन से जोड़ लिया है। इलेक्शन रिफॉर्म और कानून साजी ऑर्डिनेंस और तमाशों से नहीं बल्कि पार्लियामेंट के एतमाद से होती है। अवाम और अपोजिशन को हुकूमत और स्पीकर पर कोई एतमाद नहीं। रहनुमा नून लीग शाहिद काकान अब्बासी का रद्द अमल, कहा आरटीएस बिठाकर इलेक्शन चोरी हो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें कैसे महफूज हैं। ये PNIL क्या है? लाहौर हाईकोर्ट का वकील सरकार से सवाल, हुकूमती नुमाइंदा वकील लाजवाब। अदालत को PNIL का मतलब ना समझा सके, हुकूमत ने ब्लैकलिस्ट CICL की बजाय PNIL पर नाम होने के बाद शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोका था। अदालत ने शहबाज शरीफ के वकला से पूछा, बैरून मुल्क जाने की इजाजत का हुक्म दिया था, बताएं उस हुक्म को नाफिज कैसे कराया जाए। वकील सफाई ने मशवरा दिया, FIA और दीगर इदारों से तहरीरी जवाब मांगा जाए। अदालत ने विफाक दीगर फरीकों को 26 मई के नोटिस देकर सरकारी वकील से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। वजीर आजम इमरान खान आज पिशावर में मजदूरों के लिए तामीर किए गए 2000 से ज्यादा फ्लैट्स पर मुश्तमिल लेबर कॉलोनी का इफ्तिताह करेंगे। मोहम्मद डैम साइट का दौरा करके तामीराती काम का जायजा लेंगे। वजीर मुमलिकत बराए इतलात फारूक हबीब का कहना है कि इस मंसूबे से 800 मेगावाट पन बिजली हासिल होगी। 12 लाख एकड़ फुट पानी जखीरा होगा जिससे 17,000 एकड़ जमीन काबिले काश हो सकेगी। चेयरमैन नैब बड़ी मछलियों की बात करते हैं, इस मुल्क को मगरमच्छ खा गया। रिंग रोड मंसूबे से मुतालिक CDA की मीटिंग में इमरान खान खुद मौजूद थे। इमरान खान जेल में जाएंगे तो उस्मान गुजार भी जाएंगे। रहनुमा नून लीग अजमा बुखारी की तनकीद, कहा चेयरमैन नैब उनके गुनाहों पर पर्दा डाल रहे हैं। इलाके गुलिस्तान जौहर के एक फ्लैट से मियां बीवी की लाशें बरामद। पुलिस का कहना है कि दोहरे कत्ल की वारदात के ताने बाने 19 मार्च 2020 के पुलिस मुकाबले से मिलते हैं। 19 मार्च को मुकाबले में पुलिस को मतलूब वाहिद मारा गया था। एडिशनल एसिस्टेंट इंस्पेक्टर रहीम खान शहीद हुए थे। वाहिद जलबानी के साथियों ने पुलिस के लिए सहूलतकारी के शुबे में मियां बीवी को कत्ल किया। इमारत की CCTV वीडियो में तीन मुलजिमान को एक मोटरसाइकिल पर देखा जा सकता है। लाहौर पुलिस ने पाकिस्तानी निजात बरतानवी मायरा के कत्ल केस में नामजद मरकजी मुल्ज़िम साद अमीर भट्ट को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जुल्फिकार की गर्दन और चेहरे पर दो गोलियां लगीं, गले और जिस्म पर निशानात भी पाए गए। गर्दन पर फंदे का निशान पाया गया। ज्यादती की तस्दीक के लिए नमूने लैब भेज दिए गए। मायरा को 3 मई को कत्ल किया गया था। सेक्शन कोर्ट और बैंकिंग कोर्ट ने दो केसेस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की जमानत में 31 मई तक वापसी कर दी। सेशन कोर्ट के जज ने FIA की इंक्वायरी रिपोर्ट का जायजा लिया। जज ने सवाल किया कि क्या जहांगीर तरीन को गिरफ्तार करना चाहते हैं। जज के सवाल पर FIA के तफ्तीशी अफसर खामोश रहे। सिंध असेंबली के हल्का PS 70 मातली में जिमनी इंतखाब कल होगा, तैयारियां मुकम्मल। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हाजी मोहम्मद डाडा और JUI के मौलाना गुल हसन के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। हल्के के कुल 123 पोलिंग स्टेशन में से 41 हसास और 12 इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। ये सीट पीपल्स पार्टी के रुकन असेंबली बशीर अहमद के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। कच्चे के डाकू टिकटॉक पर वीडियो जारी कर रहे हैं। सिंध पुलिस एक्शन लेने को तैयार नहीं, फौज या रेंजर्स ऑपरेशन करे। PS 88 जिमनी इंतखाबात के दौरान हंगामा आरई के मुकदमे में मुलविस सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का मुतालबा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने समाअत 19 जून तक मुलतवी कर दी। पंजाब में हजारों वैक्सीन गायब हुई, वजीर आला ने तहकीकाती कमेटी भी बनाई, रिपोर्ट कहाँ है? रुकन असेंबली सुमेरा कोमल ने करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी, कहा रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाए, वैक्सीन चोरों को कटहरे में लाया जाए।
شسپر گلیشئر کی جھیل سے پانی کے افراد سے سرائے قراقرم کا ایک حصہ متاثر، ٹریفک معطل۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ متبادل راستے سے گاڑیوں کی آمد رفت جاری ہے، پانی کے بہاؤ میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ کرونا سکول کھلنے سے نہیں بازار کھلنے سے پھیلا، دیگر شعبوں کی طرح ایس او پیز کے ساتھ سکول کھولنے کی اجازت دی جائے۔ پاکستان الائنس آف پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کا مطالبہ، کہا تعلیمی اداروں کی مزید بندش برداشت نہیں کر سکتے، بچوں کا ناقابل تلافی تعلیمی نقصان ہو رہا ہے، 23 مئی سے تعلیمی ادارے نہ کھلے تو ملک گیر احتجاج کریں گے۔ ملکیوں کے لیے حج پالیسی کا اعلان 27 مئی کو متوقع۔ سعودی عرب نے ایسٹرازینیکا اور فائزر ویکسین کی شرط رکھی، تب بھی پاکستانی عازمین حج کر سکیں گے۔ سعودی عرب نے تمام سرکاری اور نجی اداروں، تعلیمی اداروں، تقریبات اور تجارتی سرگرمیوں میں شرکت کے لیے ویکسین لگوانا ضروری قرار۔ فیصلے کا اطلاق 1 اگست سے ہوگا۔ ڈیوٹی دینے یا کام کرانے کے لیے وہی لوگ جا سکیں گے جو ویکسین لے چکے ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کے لیے بھی ویکسین لازمی ہوگی۔ ایک طوفان گیا نہیں، دوسرا بننا شروع ہو گیا۔ خلیج بنگال کے سمندر میں ہوا کے کم دباؤ کا 23 مئی تک سائیکلون میں بدلنے کا امکان۔ عالمی ماہر ماحولیات کے مطابق اس ممکنہ طوفان کا رخ مغربی بنگال یا بنگلہ دیش کی طرف ہوگا۔ میانمار کے کچھ حصوں میں بھی طوفان اثر انداز ہو سکتا ہے۔ کراچی میں آج پھر آندھی اور ہلکی بارش کی پیش گوئی۔ 60 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹے کی ہوائیں چلنے کا امکان۔ گرمی 41 درجے تک جا سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق حیدرآباد، ٹھٹھہ، بدین، میرپور خاص اور عمر کوٹ میں بھی بارش کا امکان ہے۔ اسرائیل بڑا سرپرائز دینے والے حماس رہنما محمد الزیف کی تلاش میں۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق القسام بریگیڈ کے محمد الزیف کو دو بار نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ جنوبی غزہ میں کیے گئے حملوں میں محمد الزیف محفوظ رہے۔ اسرائیلی فوجی ترجمان نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ 12 کلومیٹر طویل مبینہ سرنگوں پر 110 بم گرائے گئے۔ غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف نیو یارک، بوسٹن، لاس اینجلس سمیت امریکہ اور دنیا بھر میں مظاہروں کا سلسلہ جاری۔ لبنان اور یمن میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بڑے مظاہرے۔ مانچسٹر یونائیٹڈ کے سپر سٹار پال پوگبا اور عماد دیالو کا فلہم سے میچ کے بعد فلسطینی پرچم اٹھا کر اظہار یکجہتی۔ پاکستانی سابق کپتان وسیم اکرم نے کہا کہ وہ فلسطین اور انسانیت کے ساتھ ہیں۔ یہ کھیل نہیں جنگ ہے جس میں کسی کی جیت نہیں ہوگی، ہر کوئی ہارتا ہے اور صرف نقصان ہوتا ہے۔ بھارت میں کرونا سے اموات کا اب تک بدترین دن۔ ایک دن میں وائرس 4500 سے زائد کرونا مریض دم توڑ گئے۔ 2,67,000 سے زائد مزید افراد وائرس سے متاثر۔ 22 ریاستوں میں مثبت کیسز کی شرح 15% سے اوپر۔ دوسری لہر کے دوران 250 کے قریب ڈاکٹرز بھی جان کی بازی ہار چکے۔ کرونا بحران میں بدترین کارکردگی پر بھارتی وزیراعظم کی مقبولیت 2019 کے بعد سے کم ترین شرح پر آ گئی۔ دوستو، وقت آ گیا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف ہم اپنی آستینیں چڑھا لیں۔ بھائی کرونا ویکسین جو آ گئی ہے، آستین چڑھائیں، ویکسین لگوائیں۔ ڈاکی کنگ بھی کرونا ویکسینیشن کی حمایت میں میدان میں آ گیا۔ عوام سے کہا کہ ویکسین کو کہیں ہاں اور کرونا کو کہیں نہ۔ جنے
नेवा ओपन में रॉजर फेडरर को अपसेट शिकस्त। आलमी रैंकिंग में 75 नंबर पर मौजूद स्पेन के खिलाड़ी ने रॉजर फेडरर को हरा दिया। मैच 1:52 तक जारी रहा। लेकिन ख्वाब बड़े, वेनेजुएला की 8 साल साइक्लिस्ट बच्ची ओलंपिक चैंपियन बनने के लिए पुराजी, दिन रात मेहनत जारी। कमेला वेनेजुएला की कौमी बीएमएक्स फ्री स्टाइल चैंपियनशिप में पहली पोजीशन समेत 25 मेडल्स और ट्रॉफी जीत चुकी। और चीन ने समंदर की मॉनिटरिंग के लिए नई सैटेलाइट फला में रवाना कर दी। लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट के जरिए हाईयंग 2D सैटेलाइट फला में भेजी गई। हाईयंग 2D सैटेलाइट चीन के इस प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसकी मदद से समुद्री आपात से मुतालिक देश की इत्तला मिल सकेगी।